सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगा कि बाल मैंने आज भी ठीक नहीं किए हैं। अक्सर लोगों की नज़र मेरे बालों के ऊपर होती है कि भाई 20 रुपए की कंघी है यार, ले लिया करो और बालों के ऊपर कर लिया करो। तो उनसे मैं कहना ये चाहूँगा कि यार कंघी महंगी नहीं है, मगर इस सर्दी में कंघी करना बालों को ये बहुत बड़ा अजाब होता है। तो माजरत आपसे कि मैं कंघी नहीं करूँगा। ऐसी हालत में अगर आपको पसंद हो तो आप ज़रूर बात कर सकते हैं मेरे साथ, अदरवाइज़ आपकी मर्ज़ी। जैसे ना मेरी छुट्टी ख़त्म हो जाए और मुझे पता हो कि कल इस टाइम, जो अभी इस टाइम टाइम है 5:36 है, तो कल अगर 5:36 जब बजेंगे तो मैं सिटी में हूँगा, तो मेरा दिल जो है वो खून के आंसू रो रहा होता है। मैं आपको ये है कि स्क्रीन के सामने रो कर तो नहीं दिखा सकता, अलहदा स्क्रीन की पिछली साइड पर मैं आंसू बहाऊंगा बाद में, मगर अभी मैं रोना नहीं चाहता। सूरज जो है वो ग़ुरूब हो रहा हो और बंदा वो सीन देख रहा हो यहाँ पर, और दूसरे दिन आप वही सीन उधर जाएं और वहाँ पे तो ये सीन नहीं होते। वहाँ पे ये सिर्फ ये है कि टाइम का पता चल जाता है कि यार ये टाइम हो गया है, तो फिर मुश्किलात तो होती हैं यार भाई। अब करना पड़ता है यार, हम लोग कर रहे हैं यार, कौन नहीं कर रहा, हर कोई कर रहा है। ये जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, मेरे दोनों साइड पे, ये कैमरे में शायद आपको सही समझ ना आए, मगर हम बता रहे हैं आपको, ये मेरे जो राइट साइड है इसके ऊपर ये गंदम है। ये गंदम का खेत है, बहुत छोटा है, आने वाले दिनों में ये बड़ा भी होगा, हम आपको वो भी दिखाएंगे, मगर थोड़ा टाइम लगेगा, 2-3-4 महीने लग जाएंगे, ठीक हो गया। और इसके दूसरी साइड पर लेफ्ट ये है चने, छोले जिन्हें हम अपनी ज़बान में कहते हैं यार, ताकि आपके साथ तशरीह करनी चाहिए यार, छोलों के भी हम लोग इन्हें छोले कहते हैं, वैसे चना कहा जाता है, और इंग्लिश में मुझे नहीं पता यार। खैर है यार, अब बर्दाश्त कर लिया करो यार, गूगल कर लो भाई। तो ये वो चने का खेत है, अभी तैयार नहीं हुआ है, 2-3 महीने हो गए हैं ऐसे, तो ये है कि ये अभी तक काफ़ी हद तक हरा भरा हो गया है, जहाँ तक मैं देखूँ। मैं अभी अभी आकर आपको यहाँ पर घूम के दिखाऊँगा कि मेरे जो चारों साइड पे हैं वो कैसा सब्ज़ है। अब आप लोग खुद अंदाज़ा लगा लें कि हर तरफ ही ग्रीनरी है, और यहाँ पर इंसान जो है वो इंजॉय करता है यार लाइफ को, और लाइफ की इंजॉयमेंट ही यही होती है। यकीन करो, जब 2 या 3 दिन यहाँ पर रह के जाएं, मेरी रूटीन ये होती है कि मैं सुबह जब उठता हूँ, नमाज के बाद नाश्ता किया, उसके बाद अक्सर मैं मोबाइल उठाकर मैं इन्हीं जगहों पर आ जाता हूँ, वहाँ यहाँ पर मैं पिक्चर वगैरह बनाता हूँ और इंस्टाग्राम पे पोस्ट करता हूँ। तो यहाँ पर ये लिंक आ रहा है इंस्टा का, तो वहाँ पर आप जाकर मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। वहाँ पर मैं अक्सर यहाँ की पिक्चर वगैरह पोस्ट करता रहता हूँ, क्योंकि भाई का काम ही ये है, जब वेला हो तो पिक्चर तो बनाएगा भाई। सूरज जो है वो ग़ुरूब हो रहा है, काफ़ी हद तक ये है कि सूरज ग़ुरूब हो चुका है, बाकी कुछ थोड़ा बहुत रहता भी है वो मैं कैप्चर नहीं कर पाया, माजरत के साथ, लेकिन जो सीन है वो तो होंगे, क्योंकि ये ग्रीनरी हो और सीन ना हो तो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो फिर ये है कि सीन चेक करें। जब गांव से बाहर होते हैं तो फीलिंग्स जो हैं वो बड़ी अजीब सी होती हैं वहाँ पर। वहाँ पर जो एक एक दिन होता है या एक एक मिनट जो होता है वो काफ़ी मुश्किल से गुजर रहा होता है, और हम लोग सोच रहे होते हैं यार कब टाइम आए और हम लोग गांव जाएं, वहाँ पर देखें, और ख़ास करके इन दिनों में तो और भी मज़ा आता है। मगर यहाँ पर 3 दिनों की छुट्टी ऐसे गुजरती है, ऐसे समझ नहीं लगती यार। अभी कल तो मैं आया था, आज और कल फिर वापस जाना है यार, फीलिंग वेरी सैड।
बट यार जाना तो है, क्योंकि छुट्टी के बारे में एक मुहावरा है कि छुट्टी बेशक साल की भी हो आखिर ख़त्म हो ही जाती है। बाकी आप लोग जो यूनिवर्सिटी वाले हैं, कॉलेज स्कूल, वो सारे तो बड़ी अच्छी तरह जानते होंगे कि छुट्टी किस तरह ख़त्म होती है। हर इंसान की कोशिश होती है कि यार मैं इन्जॉय करूं, बाहर निकलूं, माहौल देखूं या और इस तरह के जो मौसम होता है मैं वो इन्जॉय करूं। मगर हर बंदे के पास या तो वसाइल नहीं होते, और वसाइल तो तकरीबन हर इंसान के पास हैं इन दिनों में, मगर टाइम नहीं होता। हर बंदे की मसरूफियत इतनी होती है। तो अगर आपको कोई बंदा इतना वेला है मेरी तरह, जो आपको दिखा रहा है बार बार ये चीज़ें, बार बार हर वीडियो में दिखा रहा है, और सही अच्छी तरह जिस तरह दिखाना है, दिखाने का हक है, वो दिखा रहा है, तो फिर आपको चाहिए कि यार वीडियो को लाइक बनता है यार लाइक, और ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली कोई भी वीडियो है ऐसी ही होगी भाई, तो आपको और भी मज़ा आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।